तो दुनिया भले ही आज चांद और मंगल ग्रह से आगे निकल गई हो, पर पृथ्वी पर अभी भी ऐसी कुछ जगह हैं जहां पर इंसान की पहुंच कुछ खास कामयाब नहीं रही है। दुनिया जहां आज मॉडर्न बनती जा रही है, पर इन जगहों पर अभी भी केवल एक ही नियम चलता है, वो है जंगल का नियम। आज हम आपको बताने वाले हैं अमेज़न के जंगलों के बारे में ऐसी सच्चाई जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर इंसानी जीवन की कल्पना करना बेहद कठिन है। अमेज़न के जंगल दक्षिणी अमेरिका के 9 देशों में लगभग 50 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह स्थान दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ के जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग ऐसी प्रजातियों से आते हैं जिनके बारे में दुनिया ने अभी तक सुना भी नहीं है। ये लोग दुनिया की रौनक से बिल्कुल दूर अपने में ही मगन रहते हैं। बाहरी दुनिया के लोगों के लिए ये जगह बेहद खतरनाक मानी जाती है, और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ के जंगल खतरनाक जानवरों से भरे हुए हैं, और साथ ही अगर कोई जानवरों से बच जाए तो ये आदिवासी उसको नहीं छोड़ते हैं। कहा यह जाता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक कबीलों के आदिवासी इन जंगलों में निवास करते हैं, जिन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उनके इलाके में ताका झाकी करे। कई खोजकर्ता इस जंगल में जाकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इन जंगलों में ऐसे कई खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं जो कि आपने आज से पहले सिर्फ फिल्मों या टीवी में ही देखे हैं, जो दुनिया में और कहीं आपको नजर नहीं आते। दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी अमेज़न के जंगलों में ही निवास करता है। आपने इस जंगल की झलक केवल फिल्मों और टीवी चैनलों पर देखी होगी। यहाँ के बारे में सही जानकारी जुटाना आज तक भी संभव नहीं हो पाया है। दुनिया से अलग थलग रहने के कारण इस जगह का कभी विकास नहीं हो पाया, पर अगर कोशिश की जाए तो इस जगह का विकास किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के आदिवासियों को मनाना अभी तक इस बारे में संभव नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न के जंगलों का ऐसी रहस्य जो कि आज तक कभी सुलझ नहीं पाया है। इस जंगल में जाना बेहद ही कठिन कार्य है। तो ऐसी ही वीडियोस और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। गुड बाय।